चार साल पहले जब इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो ये सोच न मेरी थी और ना ही आप लोगों की थी। बस काम होता गया, एक अच्छी मेंटरशिप मिलते गई, बिजनेस चलता गया चलता गया चलता गया। कभी हम लोग सोचा करते थे कि शायद 20 सेल 25 सेल हम लोग भी बिजनेस में क्लोज करें। हमें याद है कि हम पहली बार 2016 में एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए गए हुए थे। आते समय मुझे टीम के साथ आने का मौका मिला और हम लोग टीम के साथ पूरी टीम मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि इस बार हम लोग टारगेट लगाते हैं 20 सेल क्लोज करेंगे एक वीक के अंदर। तो उस समय 20 सेल बहुत बड़ी चीज़ होती थी, समझ में आ रहा है। अब बाद में आप लोग जैसे धुरंधर लोग आए इस बिजनेस में, आपके सीनियर जैसे अच्छे लीडर्स यहाँ पे आए, डायमंड्स आए, और जहां 20 सेल के लिए कभी सोचते थे आज 2000 सेल पर वीक के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरी टीम को लीड टोपाज एंड एवब लीडर ही करते हैं, हाँ या ना। हमारी छवि आपकी छवि ही आपकी टीमों में जाती है, कहीं और दूसरे जगह से नहीं आती। जब मास्टर माइंड यहां पे है, जब दिमाग सबका यहां पे है, तो टीम की छवि भी तो यही मानेंगे। बहुत अच्छा हमारी ग्रोथ रही है, बहुत अच्छे लोगों ने ग्रोथ किए हैं, तरक्की किए हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या इस तरक्की पे रुक जाना है या कुछ और अच्छा करना है। हाँ जी, कुछ और अच्छा करना है, कुछ और अच्छा बढ़िया करना है ना। जो रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, हमें ना ठहरे हुए पानी जैसा बनना है ना रुका हुआ इंसान बनना है, हमें तो लगातार ग्रोथ करना है। अभी भूख खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में ये सोच के आए हुए थे कि 20,000 महीने पे बिजनेस को लेके जाना है, और मुझे ये भी पता है कि 20,000 एक्सपेक्ट करने वाले लोग आज के डेट में 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। जिन्होंने 2 लाख की एक्सपेक्टेशन की थी वो लोग आज के डेट में 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। फिर भी इस तरक्की से, इस ग्रोथ से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जबकि मुझे पता है कि हम कितनी भी जोर लगाएंगे मेरा इनकम जो है वही आएगा, बढ़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि पहले 10 लोगों का परिवार चलाना था तो गुजारा आसानी से चल जाता था, अब जिम्मेदारियाँ तो भाई 2 लाख लोगों की हैं। जोर और लगाना पड़ेगा, ताकत और लगानी पड़ेगी, और हमारी तैयारी और मजबूत करनी पड़ेगी, हाँ या ना। और तैयारी अगर मजबूत करनी है, इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने हैं, इस टीम को अगर नंबर वन में लेके जाना है, तो हमें पिलर मजबूत करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि कमजोर पिलर कभी भी मजबूत घर का निर्माण नहीं कर सकता। वैसी कमजोर लीडरशिप कभी भी मजबूत टीम का निर्माण नहीं कर सकती। टीम बनेगी और टूट जाएगी अगर आपके नींव में दम नहीं होगा तो। और दोस्तों, आप सारे लोग हिंदुस्तान के उन 1.5 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं जिन लोगों ने एसलीपीएस वेलनेस में ये सोच के कदम अपना बढ़ाया है, ये सोच के उन लोगों ने अपनी करियर लगाई है कि शायद आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा कुछ नहीं हो पाया, एक जोर एक भरोसा इन लोगों के ऊपर करके देखते हैं शायद जिंदगी में कुछ हो जाए। ऐसा है या नहीं है, हाँ या ना। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों मेरे मन में कुछ बड़ा चल रहा है। आपके अप्लाइनों के मन में, जो आपके सीनियर अप्लाइन डायमंड एंड एवर बैठे हुए हैं, इनके मन में कुछ और चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है। और हम लोग ऐसी प्लानिंग करना चाहते हैं कि यहाँ बैठा हर शख्स आने वाले समय में ट्रिपल टी ट्रेनिंग इंडिविजुअल करे, और जो 2000 सेल की बात आज मैं यहाँ खड़ा होकर कर रहा हूँ, यहाँ बैठा छोटा सा छोटा लीडर जो अभी कल टोपाज बना होगा, वो लीडर भी 2000 सेल की कमिटमेंट कर सके। ये पावर दिलाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आज अटेंड किया गया है। तैयार हैं सारे लोग? कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों, अभी हमारी लाइफ हमारी जिंदगी में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अभी तक जो आपने काम किया है वो केवल सेलिंग था। क्या था? सेलिंग। एंड सेलिंग इज नॉट द बिजनेस, इट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। ये कोई बिजनेस नहीं है सेलिंग जो अभी तक आपने किया है। 100-150 ID भेज ही दिए तो कोई बहुत बड़ा तीर तो अभी हुआ नहीं है, हाँ या ना। और आज तक खास करके मैं बात कर रहा हूं जो अभी अभी टोपाज बने होंगे, रूबी स्टार बने होंगे और सफायर बने होंगे, आपने अभी बिजनेस तो डेवलप किया ही नहीं है। बिजनेस डेवलप करने का मतलब होता है कि हर 3 महीने के बाद मेरा सेल जस्ट डबल हो जाए। क्या ऐसा हो रहा है? बिजनेस डेवलप करने का मतलब होता है कि हर क्वार्टर के बाद मेरी रैंक चेंज हो जाए। क्या ऐसा हो रहा है?
इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और उस प्रॉब्लम को आज हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? दिल दिमाग दोनों खोल के बैठना और पेपर पेन सब कुछ खोल के रखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन द ट्रेनर की। दोस्तों एक स्टेप अप आप होने वाला है और वो स्टेप है ट्रेनर का। अभी तक आप सारे लोग प्लानर थे, आप सारे लोग मार्केट में जाते थे, लोगों को प्लान देते थे, समझाते थे, उनकी फॉलोअप करते थे और वहां से सेल निकाल के लाते थे, ज्वाइनिंग डालते थे, वीकली चेक लेते थे, प्रमोशन लेते थे, प्रमोशन को उठा के फेसबुक पे प्रमोट करते थे, व्हाट्सएप पे प्रमोट होते थे और खुश होते चले आए हैं। आज तक तो यही हुआ है, आया ना? यानी आज तक हमारा बिजनेस हमारी वजह से चला है, लेकिन अब वक्त है अपने आप को ट्रेनर बनाने का, एक लेवल ऊपर जाने का। प्रमोशन हो रहा है, रियल में अगर हम बात करें तो रियल प्रमोशन आज हो रही है, अभी तक तो हुई नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कई लोग बोलते हैं जिंदा शहीद होना मांगता है, इससे आसान काम आज तक मुझे कुछ लगा ही नहीं। मैं आपको रियल बताऊं, बेसिक लेवल पे इंडस्ट्री जरूर हिला कर रख देती है, ये बहुत सत्य बात है और करती है। अगर आपके रेफरेंस अगर और अच्छे नहीं है तो इंडस्ट्री आपको धूल चटा देती है, छट्ठी का दूध याद दिला देती है, ऐसा दिन भी दिखा देती है, कई लोगों को तोड़ भी देती है, कोई लोगों को तोड़ मड़ोर सब उठा पटक सब कर देती है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ इस इंडस्ट्री ने ऐसा किया होगा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लीडरों को बिजनेस नहीं डेवलप होने के बाद रोते हुए भी देखा है, उनकी तड़प मैंने देखी है, ग्रोथ करने की चाहत थी लेकिन बिजनेस में कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो समझ में नहीं आ रहा था, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ऐसे में लीडरों ने अपने आप को रोका है, रोते बिलखते हुए भी हमने देखा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, अभी तक हम फर्स्ट स्टेज में बिजनेस कर रहे थे, दैट इज प्लानर। क्या थे हम लोग? हम लोग क्या थे अभी तक? पीछे वाले क्या थे? अभी तक हम लोग एज ए प्लानर बिजनेस कर रहे थे। अभी तक तो धंधा हमारी वजह से चल रहा था, सच्चाई तो ये है। लेकिन दोस्तों अब वक्त हो चला है कि जो ह्यूमन रिसोर्स आपने खड़ी की है इस इंडस्ट्री में, आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पता है क्या है? आपकी टीम। कौन बोला? जोरदार तालियां सर के लिए। आपकी टीम सबसे बड़ी एसेट जो है ना इस इंडस्ट्री में, वो आपकी टीम है। बैलेंस वैलेंस एसेट नहीं होता, बैलेंस वैलेंस के तो बढ़िया काम होना तो 2 महीने में धक्के छक्के छोड़े जाते हैं, जीरो जीरो हो जाता है लेफ्ट राइट। सबसे बड़ी जो एसेट है ना वो टीम है। हमारी रिसोर्स क्या है इस बिजनेस में? टीम। प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं है, वो कंपनी के हाथ में। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में। प्रोडक्ट डिस्पैच कितनी जल्दी होगी आपके हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में। चेक कब मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में है। पे आउट कैसे मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, वो कंपनी के हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? टीम, ह्यूमन रिसोर्स। आया ना? यस या नो? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम आज तक केवल एक ही रिसोर्स यूज करते आए हैं, वो है हम। क्या यूज करते आए हैं हम? आज तक हम अपने आप को केवल यूज करते आए हैं, हमने टीम को यूज करना सिखाई नहीं, और फिर भी हम बोलते हैं कि हम लीडर हैं। दोस्तों आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि लीडरशिप किसको बोलते हैं। ओरिजिनल एक इंसान जब लीडर बन जाता है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है, वो कितना बड़ा बिजनेस करना शुरू कर देता है। ये सारे पॉइंट को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और एंटायर सेशन में आपको कुछ भी नहीं करना, केवल अपने और अपनी टीम के बारे में एनालिसिस करनी है।